तो आज सियासत का सुपर शनिवार है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाद शामली और मुजफ्फरनगर भी जाने वाले हैं। यहां वो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में जनसंपर्क करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ और मथुरा के दौरे पर रहेंगे। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज सहारनपुर का दौरा करने वाली है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव प्रचार से पहले सीएम योगी मोइनुद्दीन में गोपाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और इसके बाद सीएम योगी सिख समाज के लोगों के बीच पहुंचे, गुरुद्वारे भी गए। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री छोटे छोटे बच्चों से भी मिल रहे हैं, तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत आज गोरखपुर से उन्होंने कर दी है। गोरखपुर सदर से इस बार नामांकन दाखिल किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज से प्रचार की शुरुआत हो गई है, कल नामांकन दाखिल किया था। और चुनाव प्रचार से पहले जो योगी की ओर से मंत्र दिया गया वो ये कि अंतिम पायदान पर खड़े वंचितों के लिए उन्होंने काम किया। समाज के हर तबके का जीवन खुशहाली से भरा गया है। शामली में 57,268 वृद्धजनों, 10,980 महिलाओं को पेंशन। शामली में 8,076 दिव्यांगों को वार्षिक 12,000 की पेंशन। और नए उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें बिकती नहीं हैं, नई लगती हैं, ये उनकी ओर से बार बार बात कही जाती है अलग अलग जगहों पर जाकर। नए भारत में चीनी मिलें बंद नहीं होती, उनमें वृद्धि होती है। यूपी के गन्ना किसानों का 1,57,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। अकेले 5,087 करोड़ का भुगतान शामली के गन्ना किसानों को किया गया है। तो आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और जिस तरह से विकास की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरह से गन्ना के किसानों का भुगतान किया जा रहा है, ये मंत्र भी उनकी ओर से दिया गया कि क्या कुछ सरकार कर रही है उनके लिए। और विपक्ष पर उन्होंने जोरदार हमला भी किया और एक बार फिर से उन्होंने ये दावा किया कि इस बार 300 सीट के पार है बीजेपी का टारगेट। तो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का ये अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो लोग, जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। यह हम सब के लिए एक अवसर है। और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। तो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और योगी शासन में किस तरह से कानून व्यवस्था का राज रहा है और लोगों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा रही है, इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब कल नामांकन उन्होंने भरा था तब भी उन्होंने कहा था कि सुरक्षा की गारंटी मिलती है लोगों को योगी शासन में, और जो माफिया राज पहले की सरकारों में रहा था किस तरह से उस पर बुलडोजर चलाया गया। और आज गोरखपुर सदर जहाँ से नामांकन भरा है,
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आप देख रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। और इस कैंपेन की शुरुआत से पहले मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कल भी आपने देखा था किस तरह से नामांकन से पहले गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और गृह मंत्री अमित शाह भी नामांकन के दौरान मौजूद थे। और आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत, तो आज गोरखपुर से चुनाव प्रचार की ये शुरुआत हो रही है और उसके बाद शामली और मुजफ्फरनगर भी जाने वाले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जो बीजेपी के जो बाकी दिग्गज हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में जनसंपर्क करेंगे। वहीं पूरा जोर और पूरा दमखम विपक्ष की ओर से भी लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ और मथुरा के दौरे पर रहेंगे और बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज सहारनपुर का दौरा करने वाली हैं। तो गोरखपुर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिख समाज के बीच भी वो गए हैं लोगों के बीच और उनसे अपील की जा रही है कि इस बार जो टारगेट सेट किया है बीजेपी ने 300 सीटें पार करेगी बीजेपी। ये बात बार बार कल गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी दोहराई गई कि ये जो टारगेट है प्रचंड बहुमत एक बार फिर से पार्टी को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.